त्योहारों के टाइम पे इतना टू मच ऑयल हो जाता है, हर टाइम तली हुई पूरी और सभी कुछ तले हुए स्नैक्स खा खा के इंसान बोर हो जाता है। तो अगर आप भी फेस्टिवल कुछ बिना तला ऑयल फ्री कुछ बनाना चाहते हैं तो बनाइए ये चटपटा स्नैक्स दही, क्योंकि हमने बनाए हैं बिल्कुल कम ऑयल में। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी धुली उड़द की दाल ली थी और उसमें 2 चम्मच मूंग दाल डाली है, और डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, और सुबह हमने पानी निकाल के उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इस दाल को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। पीसते टाइम उसमें आप हींग डालेंगे और हींग डालने के बाद उसको बहुत बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें इस तरीके से इसको फेंट लेना है। फेंटते टाइम के लिए हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि आपने बिल्कुल भी कंजूसी कर दी तो आपके जो दही बल्ले हैं वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। दही बल्लों का पहचान होती है, उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर वो पानी में आपके तैर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका जो भल्ला है वो बिल्कुल सॉफ्ट, अच्छा, बिल्कुल स्पंजी बनेगा। और अगर आपका बिल्कुल भी वो नहीं तैर रहा है, वो बिल्कुल नीचे पानी में चला गया, तो इट मीन्स कि वो आपका सही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो भी पानी में तैर रहा है, ये इसकी पहचान है कि अभी परफेक्ट बनाने के बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च पीस के हमने इसमें डाल दी है। उसके बाद हमने डाला है यहाँ पे 2 पिंच बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, वो हमने इसमें डाला है। बहुत ज़रा सा नमक बहुत अच्छे से चला लेना है, और ये देखिए तैयार हो गया है हमारा दही बल्लों का बैटर। अब हमने इस तरीके से इसको लेने के बाद हम लेंगे यहाँ पे अप्पे स्टैंड, जो हमने अप्पे जिसमें बनाते हैं वही हमें ले लेना है अप्पे मेकर। उसको हमने यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल सभी पार्ट में डाल दीजिए। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए अगर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो। और इस तरीके से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट, किशमिश डाल सकते हैं, नीचे काजू डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे चिरौंजी डाली है, उसको डालने के बाद इसको इस तरीके से हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसको ढक दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें रखना है अपनी गैस को। और ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ी देर बाद पलट देना है। पलटने के बाद फिर हमें बहुत ज़रा सा ऑयल इसमें डालना है और फिर इसको सिकने देना है। और जब ये बहुत अच्छे से सिक जाएंगे लो फ्लेम पर, तो हम इसे निकाल के हल्के गुनगुने पानी में डाल देंगे। याद रखें जितने आपको यूज़ करने हैं उस टाइम, उससे थोड़ी देर पहले उतने ही भिगोइए, बाकी सूखे आप फ्रिज में रख दीजिए, उसको आप कल या परसों तक आराम से खा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दही ले लिया, दही में थोड़ी सी चीनी डाल ली है, और फिर हमने दही बल्लों को इसे जोड़ जोड़ के दही में थोड़ी देर डिप करके छोड़ दिया है। जब आप सर्व करने वाले हैं उससे आधे घंटे पहले आप इसे दही में डिप करके इस तरीके से छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको सर्व कर लीजिए। हमने यहाँ पे खट्टी चटनी, सोट और सारे मसाले डाले हैं, और हमने थोड़ा सा उसमें ऊपर सैलेड भी डाला है। आप चाहें तो अपनी चॉइसेस के अनुसार कोई भी चीज़ें इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये तैयार हो गई है हमारी चटपटी और बहुत ही बढ़िया थी दही बल्लों की चाट। तो अगर आपको भी हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और दिस दिवाली या भैया दूज अगर आप इसे बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और देखिए हमने यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं करा है, मीन्स हमने इसको डीप फ्राई नहीं करा है। तो चलिए फिर बनाइए, ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर 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 शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।